क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का फ्यूनरल 19 सितंबर को किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जो कॉफिन है, जिसे कि हम ताबूत कहते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जो कॉफिन होगा वो तकरीबन 250 से 300 किलो का होने वाला है। लेकिन इसकी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जो कॉफिन है उसमें लेड मेटल की कोटिंग की गई है, और लेड मेटल की कोटिंग होने की वजह से ये ताबूत भारी हो जाएगा। लेकिन लेड मेटल ये क्यों? कहा जाता है कि जो ये लेड मेटल होता है ये किसी भी बॉडी को डिकम्पोज होने की जो प्रोसेस होती है उसे लंबा कर देता है, और मृत शरीर से आने वाली बदबू को भी ये कंट्रोल करता है। एयर टाइट कॉफिन ये बन जाता है, इसलिए इस कॉफिन के आसपास में आने वाले जो लोग होते हैं उन्हें डिकम्पोज होने वाली बॉडी से होने वाली जो बदबू आती है वो उन लोगों को नहीं आएगी। प्रिंसेस डायना का जो कॉफिन था उसमें भी लेड मेटल का इस्तेमाल किया गया था। प्रिंसेस डायना जो कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की बहू थी, 1997 में पेरिस में रोड एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई थी, और उनका जो कॉफिन यानी कि जो उनका ताबूत बनाया गया था उसमें भी लेड मेटल का इस्तेमाल किया गया था। और यही वजह है कि प्रिंसेस डायना का जो ताबूत था उसका वजन तकरीबन 250 किलो बताया जाता है, जिसमें कि प्रिंसेस डायना का वजन तक शामिल नहीं था। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जितनी भी रॉयल फैमिलीज होती हैं उन सभी में जब किसी रॉयल फैमिली के मेंबर की मृत्यु होती है तो लेड मेटल का इस्तेमाल किया जाता है कॉफिन में, ताकि जो शरीर है उसे डिकम्पोज होने में समय लगे। और यही वजह है कि जितने भी रॉयल मिलिट्री जो होती है वही इस कॉफिन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत भारी होता है। लेकिन लेड मेटल का आखिर इस्तेमाल होता क्यों है, इसकी कुछ वजह बताई जाती हैं। पहली वजह जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी डिकम्पोज होने में समय लगता है, दूसरी वजह ये कि जो डिकम्पोज होने वाली जो बॉडी होती है उसकी जो बदबू होती है वो आम लोगों तक या इस बॉडी को उठाने वाले, इस ताबूत को उठाने वाले लोगों तक ना पहुंचे। अब आपके जहन में भी जब सवाल आया होगा कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की जब 8 सितंबर को मौत हुई थी और 10 दिन तक उनकी जो बॉडी है उसे आम लोगों के दर्शनों के लिए या फिर प्रोसेशन के लिए रखा गया, तो फिर क्या इस बॉडी से, इस डिकम्पोज बॉडी से क्या बदबू नहीं आई होगी? और यही वजह है कि इस लेड मेटल का इस्तेमाल किया गया ताकि कॉफिन के अंदर ही डिकम्पोज्ड बॉडी की बदबू रहे और आम जनता तक इस डिकम्पोज्ड बॉडी की बदबू ना पहुंचे, क्योंकि ये रानी की गरिमा के लिए भी महत्वपूर्ण था और आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण था। दूसरी बात जो इसके लेड मेटल के बारे में बताई जाती है, अगर इसे कफन में जो ताबूत होता है उसमें कोट किया जाता है, तो इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि जब शरीर को दफनाया जाता है ताबूत के साथ तो शरीर के अंदर मौजूद जो टॉक्सिन होते हैं वो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा सकते हैं, और यही वजह है कि ये जो लेड मेटल होता है ये इन शरीर के टॉक्सिन को कफन से बाहर नहीं आने देता है और इसलिए ये एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुँचाते हैं। दूसरी बात ये कि शरीर को ये बहुत लंबे समय में डिकम्पोज करते हैं, तो ऐसे में शरीर जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। और तीसरी बात ये कि रॉयल फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स जो होते हैं उनके जो ताबूत होते हैं उसमें इस लेड मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जो ताबूत है वो उनके मरने के बाद तैयार नहीं हुआ है, बल्कि 30 साल पहले ही उसे तैयार कर दिया गया था ओक ट्री से। आपको बता दें कि इस ओक ट्री से बनाने वाले जो ये कफिन बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने तमाम मीडिया से जब बात की तो उनका ये कहना था कि रानी का जो कॉफिन था उसे 30 साल पहले सबसे अच्छे ओक ट्री से के लकड़ी से इसे तैयार किया गया था। दो तरह की ओक ट्रीज बताई जाती हैं ब्रिटेन में, एक ओक ट्री जो कि अलग अलग स्टेट यानी कि अलग अलग बागों में बगीचों में तैयार की जाती हैं, जो कि जिनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है, जिनकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, और दूसरी अमेरिकन ओक होती है, उसका इस्तेमाल रानी के ताबूत को बनाने में नहीं किया गया है। अब आपको ये समझ में आएगा, हमने कोशिश की है कि आपको रानी से संबंधित तमाम चीज़ें जो है वो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट से भी बताएं, और ये भी हमने आपको बता दिया कि रानी का जो ये ताबूत था उसमें आखिर लेड का इस्तेमाल क्यों हुआ, जिसकी वजह से जो रानी का कॉफिन है यानी का जो रानी का जो ताबूत है वो 250 किलो से 300 किलो वजनी तक हो सकता है।